हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चैटर बॉक्स। आई एम स्मिता। आज मैं हूँ कोपेनहेगन में, विच इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क। और अभी मैं जा रही हूँ यहाँ के एक्वेरियम में, जो कि बहुत बड़ा एक्वेरियम है, विच इज नॉर्दर्न यूरोप्स लार्जेस्ट एक्वेरियम, जिसका नाम है ब्लू प्लैनेट, जो यहाँ से वो दिख रहा होगा। तो चलते हैं। ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं नेशनल एक्वेरियम का, ये बहुत ही यूनिक है, जिसकी वजह से इसने कई इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं। यहाँ मैंने 1000 फिशेस के साथ ही कई ऐसे सी क्रिएचर्स भी देखे हैं जिसके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं था। और भी ऐसा बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस किया है, जिसे मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये सेक्शन पूरा कलरफुल ट्रॉपिकल फिशेस से भरा हुआ है। वाओ, ऐसा लगता है बस देखती रहूं। फ्री में आप डॉक्टर फिश से मैनिक्योर का मजा भी ले सकते हैं। वाओ, ये देखिए सी ऑटर्स कैसे बर्फ में पड़े हुए हैं और आराम फरमा रहे हैं, एक सेल्फी तो बनता है। स्टार फिश मैंने कई बार देखा है, बट पहली बार छूने का मौका मिला है। क्रैब, फ्लैट फिश और ऐसे कई वाटर एनिमल्स हैं यहाँ, जिसे आप छू कर फील कर सकते हैं। वाओ, इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। अरे ये देखिए, ये क्या है, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है, ये वुल्फ ईल है। दोस्तों ये इतना बड़ा एक्वेरियम है कि पूरा कवर करने में 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, बट बोर नहीं लगेगा आपको, इसकी तो गारंटी है, क्योंकि ये जगह है ही ऐसी। बच्चों ने तो यहाँ काफी एंजॉय किया, एंड आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा। मैंने तो पूरी कोशिश की कि ये पूरे एक्वेरियम को आपको 3 मिनट में दिखा पाऊँ। ये जो ट्रांसपेरेंट टनल आप देख रहे हैं, ये मुझे एक्वेरियम का सबसे बेस्ट पार्ट लगा। वाओ, दिल खुश हो गया। आपको अगर ऐसा मौका मिले तो कभी गवाइएगा मत, जरूर आइए कोपेनहेगन और एक्वेरियम जरूर घूम के जाना। गौर से देखिए इस टॉर्टोइस को, ये वही टॉर्टोइस है जिसे बहुत तेजी से भूख लगा और इसे कोई कुछ खाने को नहीं दे रहा है। एक्वेरियम के एक पार्ट में रेन फॉरेस्ट भी है, जिसमें हमने देखा वैरायटी ऑफ टॉर्टोइस, फ्रॉग्स, बटरफ्लाइज, स्टिंगरेज, कैटफिश और क्रोकोडाइल भी। और ये जो आप छोटी छोटी प्यारी प्यारी मछलियों को देख रहे हैं, ये है पिरानास। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें।